भाई ओबे नीचे भी है भाई, नीचे भी आप देखो, नीचे भी मतलब डायमंड के ब्लॉक, लेकिन आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और आज हम अपनी गद्दी पे बैठे हैं और यार आज हमने कुछ जो है बहुत बढ़िया करने का सोचा, क्योंकि यार आज जो है ना हम माइनक्राफ्ट में हमने प्लान बनाया था पार्ट टू में कि हम जो है वो खेलेंगे, वो डायमंड ढूंढेंगे। और फिर हमको पता चला कि यार हमारा जो दोस्त है, एक हमारा दोस्त है उसका नाम रोहन है, उसने भी इसी जो वर्ल्ड है उसमें घर बना लिया। उसने यार बहुत मेरे से रिक्वेस्ट करी, उनने बहुत रोया और उनने कहा कि यार मुझे तेरे घर की जो है सीड चाहिए, और उसको मैंने दे दी। और इस तरह से अब वो भी मेरे घर में आ गया है, उसको मेरे घर का एड्रेस पता चल गया एक तरीके से। और उसने एक मुझे मैसेज भेजा और उसने कहा है कि मैं तेरे घर के आसपास ही कहीं पे एक घर बनाऊंगा और तुझे बुलाऊंगा, और मुझे कुछ मदद चाहिए रेड स्टोन के लिए, जैसा तूने अपना घर बनाया वैसा मेरा घर भी बनाने में मदद कर दे। तो मैंने कहा भाई चल ठीक है, तू मुझे भेज दियो अपने घर की लोकेशन और एड्रेस, तो चलो यार हम देख लेंगे उसका मैसेज भी। और यार आप देख सकते हो मैं यार वो जो मेरा ऊपर जो था डॉगी, वो यार बहुत ही ज़्यादा नखरा करता था, तो यार मैंने जो है उसको, मैं बताऊँगा नहीं मैंने क्या करा मैंने एक नया पैड जो है वो खरीद लिया है या फिर पाल लिया है। मेरे पे एक हड्डी भी पड़ी है और मैं इसको सोच रहा हूँ इसको बाहर कहीं पर बांधूँ, तो इसको बाहर ले जाते हैं, इसको बाहर ले जाएं यहीं पे। यहाँ पे हमारा मेल बॉक्स है, यहाँ पे उसका जो है मैसेज रखा होगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने की कोड वगैरह जो है अपना की कार्ड रख दिया है, और यहाँ पे जो है ये देखो उसका मैसेज है इट्स डॉट रोहन का, तो हम इसको ले लेते हैं। हम इसको बाहर जो है आपको मैं पढ़ के बताऊँगा कि इसके अंदर क्या लिखा है। और अभी हम अपने डॉग को जो है बाहर यहाँ पे बांध देते हैं कहीं पे, हमें जगह भी तो नहीं दिख रही कहीं पे, कहाँ पे बांधे इसको। फिर आप देख सकते हो सही है, मतलब हमारा डॉग ही भी, और इसको भी हम अपने साथ ही ले जाएंगे और इसको हम यहाँ पे बांध देते हैं, सही रहेगा। और ये हमारा मैसेज है, मैं आपको मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ। तो इस पर लिखा है हेलो स्प्राउडी, आई एम योर फ्रेंड, इट्स रोहन, आई एम मेकिंग ए हाउस इन माइनक्राफ्ट इन द सेम वर्ल्ड यू आर, इफ़ यू लाइक यू कैन विजिट माय हाउस, नीड योर हेल्प लोकेशन। तो यार उसने कहा है कि मैंने भी जो है तुम्हारे जैसे सेम वर्ल्ड में अपना घर बनाया और मुझे जो है कुछ मदद चाहिए तुमसे, तो उसने जो है अपनी लोकेशन दे दी है X-2000। तो अब हम इस लोकेशन का पता लगाएंगे और उसके घर को ढूंढेंगे और देखते हैं यार उसको क्या चाहिए, क्योंकि यार वो तो कह रहा है कि उसको मदद चाहिए कुछ, तो यार अगर मदद चाहिए तो हम मदद कर देंगे उसकी। तो उसने जो है ये सब दे रखा है, तो हम जल्दी जल्दी डन करके चलते हैं। वैसे यार हम कुछ चीज़ें नहीं है, वैसे हमने सारी चीज़ इंचेंट तो कर ली है, लेकिन अभी अभी हम पे खाना वगैरह नहीं है। और हम अपने डॉग को थोड़ा सा खाना खिला देते हैं, अगर ये खाएगा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने इसको अभी खिलाया, जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी उससे पहले इसने बहुत सारा जो है खाना खा लिया था, तो मुझे नहीं लगता है खाएगा, और देख लेते हैं। वैसे नहीं खा रहा, तो चलो हम पे जो बोन है ये जो है बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हम बाहर चलते हैं ती मतलब अपने पीछे घर के। और यार मैंने आप यहाँ पे गेट लगा दिया, क्योंकि यार बार बार की कोड वगैरह जो है डालना पड़ता था और यार खो भी जाता था कभी कभी, तो इसलिए मैंने गेट वहीं पे बना दिया। मैंने अब कोई चक्कर ही नहीं है, अगर की कार्ड जो है हमारा खो भी जाए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। और यार लेकिन यहाँ से कोई बंदा आ भी सकता है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा भी सही से करूँगा, लेकिन वैसे पीछे से कोई आएगा नहीं। और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे गोलम वगैरह या फिर बॉडीगार्ड वगैरह कुछ मतलब कुछ ऐसा सीन करूँ जो कोई गेट के आसपास भी ना भटके। मैं तो सोच रहा हूँ एक डॉग की जो एक फ़ौज बनाऊँ या फिर एक मुर्गियों की फ़ौज बनाऊँ और वहाँ पे खड़ी कर दूँ, कोई भी जो है उसे देख के आ नहीं पाएगा। और वैसे क्रीपर वगैरह तो ये मेरे घर के आसपास भटकते भी नहीं है, क्योंकि यार मैंने इसको सारी तरफ से पैक कर रखा है। पानी में से ही अगर कोई आ पाएगा तो आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी मैं सिक्योरिटी लगा दूंगा। और ये पता नहीं यहाँ से कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं, आप देख सकते हो। और चलो यार हम पीछे पीछे को चल, पीछे वैसे कोई जा नहीं सकता, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पूरा जो ब्लॉक कर दिया। पीछे एक वो भी है केव है, लेकिन हम वहाँ पे जाएंगे नहीं केव के अंदर, और मेरी पावर ख़त्म हो रही है, मेरे खाना भी नहीं है, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से ही कुछ ले लेता हूँ। वैसे यार मेरे खेत इतने सारे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ भी सामान मुझे मिलता नहीं है। मैं जब भी जाता हूँ मैं सोच रहा हूँ अंडे वंडे चुरा लूँ, इसको ही खा लेते हैं, इससे भी थोड़ी बहुत पावर तो बढ़ ही जाएगी। इसको हम टच करते तो हमारी पावर जाती है, लेकिन हम इसको खा सकते हैं। वैसे बेरीज हैं मीठी वो भी, तो इसको हमने चलो खा लिया। और हम नीचे जो है नीचे देख लेते हैं, हम अपने डॉगी को नीचे ले जाएंगे। नीचे वैसे बम्बू है और कुछ है नहीं, तो फायदा नहीं। वैसे आ पाएगा, ओ माय आ रहा भाई, हमारे सर के ऊपर गिरेगा, हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये बात सही लगती है कि हम अपने डॉग को कहीं भी ले जा सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ इसके साथ प्रैंक करूँ, इसको अंदर छोड़ दूँ और मशीन चालू कर दूँ, और भाई ये डर वर जाएगा, तो ऐसा कुछ जुगाड़ इसके साथ करता हूँ मैं। अभी देखो इसको पहले इसको यहीं पर मुझे ना छोड़ना पड़ेगा, मेरे पीछे क्यों आ रहा, उधर ही चल जाओ, चल उधर वन उधर चलना, रहटल सब मेरे पीछे आ रहा, जब क्या हो तब आएगा नहीं। अब जल्दी दबा देता हूँ, डर ही नहीं ऐसे लगा उसके ऊपर से फूट। यार एक तरफ के वर्क कर रहे हैं, उस साइड के गिरी गिरी रहे,
उस साइड का पता नहीं क्या हुआ, कुछ रेड स्टोन में कुछ कमी वमी आ गई होगी, तो उसको हम कर देंगे, या फिर रेल जो है वो दिख गई होगी आपको, इसको ऊपर बुला लेते हैं। अब ऊपर आना, अब ऊपर आ, मिला अब गुलेल बन गई इसकी, गुलेल यार ऐसे कुछ गुलेल वगैरह भी इसके अंदर होनी चाहिए थी, हम डॉगी मुर्गी उसके अंदर फंसा के भाई लॉन्च करते, कितना तगड़ा मज़ा आता। अपने लिए जो हम यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ पे जो है हम पे कुछ मुर्गी हैं, हम यहाँ पे सोच रहे मुर्गियों की फ़ौज अपने गेट के पास बनाए, लेकिन अभी इसको अंदर कर, अभी बाहर 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 निकल चल श, श, अब हमारा डॉगी इसको मारेगा, अभी मारना, वैसे तो तू बहुत पीछे कर रहा था, मैंने अंडा अपना डॉगी के ही मार दे, पहले इसको बाहर निकलो, ओ मार दे चल, जैसे ही मैं बाहर निकला तब उसने मारा है, लेकिन मार तो दिया, ये बाहर ना निकल जाए, मैं सारे अंडे चुगने आया वहाँ से, वैसे अंडे हैं नहीं यहाँ पे, सिर्फ 3 अंडे थे जो मैंने ले लिए हैं, ये क्या है यहाँ पे, मैंने पता नहीं क्या लगा रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है और एक अंडा हमारा बर्बाद होते हुए भाई कितनी चला के हम अंडे ना ले, इसलिए इन्होंने अंदर दे दिए एक अंडा, अब हम ले ही नहीं सकते वहाँ से, अब कैसे ले, कोई बात नहीं भाई जल्दी आऊँगा मैं वापस लेने, अपने डॉगी को भी अंदर ले जाऊँगा अब की बार, और तुम अब मुझे अंडे जरूर दोगी, वैसे मैं तो इनकी फौज वौज बनाने की सोच रहा हूँ, तो इनकी मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी अंडों की, तो बाकी हम चलते हैं यहाँ से जल्दी से, क्योंकि यार रात वगैरह जो हो गई है, उनने कहा था कि थोड़ा रात के समय आना, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कुछ ना कुछ तो सीन होगा भाई रात के समय, मुझे पता क्या लगा कि यार रात के समय होगा तो उसके घर पे ज़ोंबी वगैरह आते होंगे, उसके उसको इसलिए मदद चाहिए क्योंकि उसको रात को कुछ काम होगा, उसे बाहर बाहर जाना होगा, तो वो हमें अपने घर की रक्षा वक्षा करने के लिए रुका रहा होगा, मैं तो यही समझ रहा हूँ भाई, बाकी जो है हम बाद में पता चलेंगे। जैसे हमने इसको जो है उतार लिया बहुत ही आराम से, और अब हमको अपने वो खोलना चाहिए, 2000 रुपये है ठीक है, तो अब हम अपने वो खोल लेंगे जिससे हमको ये दिख जाते हैं एक्सिस, और अब हम चलते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स जो है वो है -2000 और 370 है हमारा जेड, वाई है 72, मुझे याद हो गया है वैसे तो, और तो हम चलते हैं, तो इधर की साइड में लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 300 जो 200 वाली हमारी जेड वाली है वो जो बढ़ जा रही है, तो हम जल्दी जल्दी से जो है चलते हैं, सही मतलब देखते हैं यार वो क्या मतलब उसको परेशानी हो रही है, इसलिए मैंने जो है ना अपनी जो सारी जो हथियार हैं जितनी मेरी वेपन्स हैं, शील्ड है मतलब जितनी भी सॉर्ड है और पिकैक्स है और एक्स है, मतलब हर चीज़ जो है मैंने जो है वो कर ली है, इंचेंटमेंट कर लियो, वहाँ पर कुछ सीटी वगैरह थी पानी के अंदर, तो उसको हम छोड़ते हैं, अभी मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं पर ऊपर है उसका घर, यार बस उसके घर को जो ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, यार उसने हमें पूरी लोकेशन दे दी, अब हमें ढूंढना तो पड़ेगा ही, लेकिन यार कोई नहीं वो तो हम देख लेंगे, और जल्दी से हम चलते हैं ऊपर की तरफ को, भागते हैं, आना तू कहाँ रह गया, लीश कहाँ है, लीश को इसको खींचना पड़ेगा लग रहा है, पानी में मत गिर, वैसे तो नहाता नहीं, अब नहा रहा है तू, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, और यार जल्दी से यहाँ पे भी लग रहा है कुछ रोशनी सी, ओ ये तो लावा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर घर वर होगा, यहाँ तो लावा है, यहाँ पर हम गिर नहीं सकते क्योंकि हम पे बहुत ही ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं इस टाइम, बहुत ही महंगी चीज़ें हैं ये, और हम पे सिर्फ डायमंड नहीं, और हम पे सब चीज़ें हमारे घर में, हमने सब चीज़ करके, और यहाँ पे ये पिगी सा पता नहीं क्या अकेले ही घूम रहा है, और यहाँ पे काओ हैं, और शिप शिप भी होनी चाहिए जब यहाँ पे इतने सारे एनिमल्स हैं, तो यहाँ पे वाटर वाटर की जो है छोटी पोटी सी नदी हैं, और हम जल्दी से चलते हैं इन छोटी पोटी नदियों को छोड़ के, ये पहाड़ वहाड़ के पीछे बना लिए क्यों, अगर हम तो दूर हो गए और उससे -2000, मुझे लग रहा है सीधे जाके यहाँ पे तो केव है, हमारा डोगी कहाँ घूम रहा है, ओ ये रिशिप, वैसे हम पे ज़रूरत नहीं है, हमें पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंगी तो हमें इन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अपनी सॉर्ड निकाल लेता हूँ क्योंकि भाई ये एक तो हमारा जो डोगी है बार बार टेलीपोर्ट हो रहा है, हमारे साथ नहीं चल रहा, टेलीपोर्ट होके आता है एकदम से, तो यार हम पहाड़ के ऊपर तो हो नहीं सकते हो क्योंकि जो वाई है वो तो 72 है, 72 पहाड़ के ऊपर तो भाई वो 100 के पार हो जाएगा, तो हम जो वाई पे जो है ज़्यादा जा नहीं सकते ऊपर, मतलब हमको बीच में ही चलना है, हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमको जो है ना एक्स और जेड वाली लोकेशन नहीं मिली, तो यार हमको जल्दी से मिल जाए ना वो लोकेशन, तो भाई हम देखें भाई उसको क्या मदद चाहिए, मैं सोच रहा हूँ हम लेट वेट पहुँचे ना तो उसका खात्म हो जाएगा, उसने बेचारे ने पहली बार जो है अपना घर बनाया, लेकिन मैंने सुना है उसके जो है हाथ में डील लगी और उस पर जो है काफ़ी सारी जो है चीज़ें भी हैं, क्योंकि यार वो जहाँ पहले वर्ल्ड में रहता था उस बहुत सारा सामान था, मुझे लग रहा है उनने भाई वहीं से ही जो है कुछ सामान टेलीपोर्ट ना कर लिया हो, या ऐसा भी हो सकता है, अभी कहाँ की क्या हो गया यहाँ पे, हम कहाँ पे खो गए, इतनी देर हो गई, मिल ही नहीं पा रहा, कितनी देर से ढूंढ रहे हैं यार हम, मिल जाए भाई मिल जाए, कहाँ पे है, मिल ही नहीं रहा भाई, मुझे लग रहा है यहाँ पे हमको जाना सीधे, क्योंकि
दो कुछ भी सही नहीं जा रहा हमारा सारा एड्रेस जो उन्होंने गलत तो नहीं दे दिया भाई, मुझे लग रहा है उन्होंने हमारे साथ भाई कुछ ना कुछ तो धोखा। ओ ओ क्या भाई आपको भी दिख रहा है जो मैं देख रहा हूँ, एमरोल्ड का देखो वहाँ पे एक कासल सा है, मुझे लग रहा है भाई वो ही जो है उसका घर, लेकिन यार उस पर इतना सारा डायमंड वगैरह क्या है उनने भाई, पिलर जो होते हैं ना जो पिलर होते हैं वो भी भाई उसने उसके बनवा रखे हैं डायमंड के, आप देखो जल्दी से देखो आप। ओ भाई कितना सही लग रहा है, मतलब यार उनने तो सही बना रखा, लेकिन इतना बड़ा नहीं हमारी तरह थोड़ी है, लेकिन यार फिर भी मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे को एक प्लान आया, मैं इसके सारे डायमंड चुरा के ले जाता हूँ क्योंकि यार रात का समय और वो यहाँ पे है भी नहीं। ओ ओ कितना नूब बंदा है, इसने जो है सोचा कि अगर ये यहाँ पे लावा डाल देगा तो हम इसको पार नहीं कर पाएंगे। अरे देख अभी देखो मेरे पे वैसे कुछ सामान है नहीं, ब्लॉक्स मुझे थोड़े से ब्लॉक्स तोड़ने और बस फिर मैं सारे एमरल्ड और सारे डायमंड यहाँ से चुरा के अपने घर ले जाऊँगा, क्योंकि भाई मैं सोच भी रहा था कि मुझे डायमंड नहीं मिले और डायमंड की तो मेरे पे जो है वो लगने वाली है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक्स है भाई डायमंड की और भी नहीं ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक के अंदर से 9 डायमंड निकलेंगे और यहाँ पे 2 × 4 = 6 × 2 = 8 भाई 48 डायमंड हम पे हो जाएंगे ऐसे ही अगर हम इन पिलर्स को ही तोड़ लेंगे। और एमरल्ड के ब्लॉक भाई ये पता नहीं कहाँ पे मिलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, तो हम तो यहीं पहुँच गए। अब इन जल्दी से हम टॉर्च वॉर्च को हटाएंगे और भाई अपना जो सारा का सारा यहाँ से डायमंड और एमरल्ड चुरा के ले जाएंगे भाई, वो फिर मुझसे न कहें साले को हम घर में घुसने भी देंगे अपने, बस हमें भाई वो नीचे भी है भाई नीचे भी आप देखो नीचे भी मतलब डायमंड के ब्लॉक, लेकिन यार उस पर इतने सारे डायमंड आए कहाँ से मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अभी वो मुझसे यूँ कह रहा था क्या वो डायमंड के, ओ मुझे लग रहा भाई नीचे जो है पूरा डायमंड का इतने बेस बना रखा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ चल रही है भाई, लेकिन यार डायमंड से तो मैं भाई मुझे डायमंड तो चाहिए क्योंकि मेरे सब चीज़ है और इतने सारे अगर मेरे पास डायमंड हो गए तो भाई मेरी तो जो लॉटरी लग जाएगी एकदम से। ओ भाई अच्छा वो मैंने जो है इंचेंट कर ली थी अपनी पिकैक्स भी, क्योंकि भाई ना टूट भी नहीं पाते मुझसे, और अब तो यूँ ही तोड़ रहा हूँ मैं, इतने सारे हो गए भाई मैं कसम से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ओ भाई आयरन पिकैक्स देख सकते हो आप, मैंने पूरी इंचेंट कर रखी है, जल्दी से यहाँ से तोड़ लेता हूँ इनको, एमरल भी तोड़ लेता हूँ भाई। ओ भाई कितना सही यहाँ पे यार सीन हो गया यार, लेकिन वो अब मुझे लग रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो भाई अगर वो आ गया तो यार हम उस, मैं तो भाई अपने डॉगी को उसके पीछे लगा दूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके पास पैट वगैरह है भाई, नीचे तो पूरी खान है क्या भाई, पागल है क्या बंदा, पता नहीं कैसे इनने छोड़ रखे, मैं तो भाई इतनी सेफ्टी से अंडरग्राउंड लगता, इनने ऐसे ही रख रखे हैं। एमरल्ड के ब्लॉक भी तोड़ लेता हूँ मैं जल्दी से भाई, मैं लावा ना गिर जाऊँ, अगर मैं ये वाला तोड़ देता मेरे ऊपर लावा गिर जाता मैं सारा ख़राब हो जाता, सारी मेहनत पानी में चली जाती। ये कितना नूब बंदा यार, आप भी बताओ यार कमेंट करके कि कितना नूब बंदा, आपको क्या लगता है नूब बंदा है या नहीं, सारा ऐसे कौन डायमंड जो छुपाता है, देखिए यार यूं ही तोड़ लिए मैंने। अब भाई यहाँ की बारी है जल्दी से। It was at this moment that he knew he fucked up. Thank you.